शहर के वाघोड़िया रोड पर स्थित नंदालय अपार्टमेंट के लोग पिछले कई समय से दूषित पानी की समस्या से परेशान हैं, लेकिन प्रशासन इनकी इन समस्या को दूर करने में नाकामयाब रहा है। यह नंदालय अपार्टमेंट पूनम अपार्टमेंट के पास है, जहां पर करीब 20 से 25 जितने घर हैं। इन सभी परिवारों को दूषित पानी वितरित किया जा रहा है। पिछले एक महीने से इस अपार्टमेंट में दूषित और बदबूदार पानी आता है, जिससे लोग बीमारियां फैलने की दहशत में जी रहे हैं। कई बार इस मामले में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन इस समस्या का हल निकालने में नाकामयाब रहा है। प्रशासन के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 8 से 9 बार शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन फिर भी कोई भी कार्रवाई अब तक प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। आ पूनम कॉम्प्लेक्स ने पाछड़ नंदालय फ्लेट छे, त्या हमारे 20-25 दिवस थी आऊ गंदू पानी आवे छे। कॉर्पोरेशन में हमें कंप्लेन करी, ऑनलाइन कंप्लेन करी, तो पण कोई जवाब नहीं आपता। कॉर्पोरेशन में थी आया तो हमने एवं कीधु कि एक्वागार्ड नू पानी वापरो, नवा धोवा मां तो बधानी घरे एक्वागार्ड ना होय, बधानी परिस्थिति एवी नथी। શા માટે બધાને આવું પજવો છો તમે લોકો? તમે કેટલી વખત રજૂઆત કરી? અમે 7-8 વખત રજૂઆત કરીને બધાએ ઓનલાઈન કમ્પ્લેન કરેલી છે અને બધાની ઘેર માદા છે, કોણ જવાબદાર રહેશે એનું? અમે 15-20 દિવસથી આવું ગંદુ પાણી પીએ છીએ। કાલે આવ્યા હતા કોર્પોરેટરને બધા જોવા, પણ જોઈને જતા રહ્યા છે, કોઈને મળ્યા નથી, બૂમ પાડી નથી। ફ્લેટમાં 15-20 ઘર છે અમારા, બધા જ માંદા સાજા આવી જ રીતના છે। પરિસ્થિતિ અમારી બહુ જ ખરાબ છે। આજુબાજુમાંથી નવા ધોવાનું પાણી લાવીએ છીએ, કોઈ અમને પીવાનું આપે ના આપે, અમે આરાનું પાણી વાપરીએ છીએ। એટલું ખરાબ પાણી છે, અમારા છોકરાઓ અંદર જાય છે તો મગજ પર ચડી જાય છે, બેભાન જેવા થઈ જાય છે, અમારે હોસ્પિટલ તરફ લઈ જવા પડે છે। ને અમે વેરો 12 ઘરના છીએ, અમે કોર્પોરેશનમાંથી વેરો તાત્કાલિક મળે છે, આપીએ છીએ, છતાંય અમને આવું ગંદુ પાણી છે। 7-8 વાર અમે કમ્પ્લેન નોંધાવી, છતાંય એનો કોઈ ઓપ્શન અમને આપતા નથી।